ग्राफ थ्योरी। सो इन ए ग्राफ थ्योरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ ग्राफ। सो ग्राफ किसे कहेंगे, तो ग्राफ मतलब क्या होता है। अगर मुझे ग्राफ को डिफाइन करना है तो मैं एक ग्राफ डायग्राम बना देती हूँ कि इसको हम ग्राफ कहेंगे। जैसे सपोज मैंने ये वाला बना दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक चार वर्टेक्स ले लिए, ईयर V1, V2, V3, V4। इन चारों वर्टेक्स को मैंने क्या किया, एक ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ज्वाइन किया हुआ रहेगा दैट इज कॉल्ड द एजेस। तो यहाँ पे एक E1 एज है, E2, E3 एंड E4। सो इसे हम क्या कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्राफ। तो एग्जैक्टली ग्राफ मतलब क्या हो रहा है, द ग्राफ इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्सेस एंड एजेस। सो ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अ ग्राफ जी इज इक्वल्स टू वी कॉमा ई कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट वी हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट बी हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोड्स। इनको नोड्स कह सकते हैं, अदरवाइज इनको अदरवाइज क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्टाइसेस एंड कैपिटल ई इज दी सेट ऑफ एजेस हुज एलिमेंट्स आर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अब मैं इसका मीनिंग क्या होता है बस इतना बताती हूँ कि अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज अ ग्राफ, तो ग्राफ किसे कहेंगे कि आप लोग ग्राफ सिर्फ जी ये जो रहता है ना, सिर्फ वी को या फिर सिर्फ ई को ग्राफ नहीं करोगे। व्हाट इज अ ग्राफ, ये जो रहेगा वी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड ई जो रहेगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एजेस। ये रहेगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एजेस। अब इन दोनों को मिला के वर्टाइसेस कॉम्बिनेशन, मतलब वर्टाइसेस और एजेस, इन दोनों को जब आप एक साथ लिखते हो तो ये जो रहता है ना, दिस सिंबल, इट इज कॉल्ड अ ग्राफ। तो तब ये बन जाता है क्या, ग्राफ। सो दिस इज अ ग्राफ। तो वी कॉमा ई इज कॉल्ड अ ग्राफ वेयर वी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड ई इज अ कलेक्शन ऑफ एजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में ये जो डायग्राम मैंने अभी प्रीवियस में बनाया था, यहाँ पे मैंने लिखा है V1, V2, V3, V4। सो हियर V इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्सेस। तो गिवन डायग्राम के अंदर हमारे पास में कौन से वर्टेक्स है वो आ जाएंगे कैपिटल V सेट के अंदर, दैट इज ए V1, V2, V3, V4। एंड E को क्या कहा है हमने, एज। और इसमें लिखते वक्त देखो हमने क्या लिखा है, डेफिनेशन के अंदर E इज द सेट ऑफ एजेस हुज एलिमेंट आर द पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेयर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ वी, तो एज जो है ना, यहाँ पे देखो ये जो है V1 और V2 को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो दिस इज अवर एज। और इसको हम कैसे लिखेंगे, सो ये जो एज है दैट इज अवर V1, V2। तो जब आप एज की बात करते हो तो ऑलवेज ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही लिखोगे। तो ये V1, V2 मतलब इस एज की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा एज कौन सा कंटेन है इसमें, V2, V3। सो इट इज़ ए V2, V3। तीसरा है V3, V4 एंड नेक्स्ट है V4, V1।
दैट्स वाई वी आर सेइंग ई इज अ कलेक्शन ऑफ एजेस और हुज एलिमेंट इज द पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वर्टेक्सेस. तो ये वी के एलिमेंट के पेयर जब आप बना दोगे तो वो जो बनेगा दैट इज कॉल्ड द एज, और इनका कलेक्शन किस में आता है, ई में. तो इन दोनों को मिलके क्या मिलता है, ग्राफ. तो देखो ये वर्टेसेस और एजेस, ये लाइन और ये डॉटेड, इनको ज्वाइन कर, इनको बना के ही तो हमने ये ग्राफ बनाया. सो वी कॉमा ई इज द ग्राफ. देखो यहाँ पे जैसे हमने ये वाला डायग्राम निकाला, तो इसमें चार एजेस है, चार वर्टेसेस है. लेकिन अगर आपके पास में ये इस तरह सा एग्जाम्पल आ गया, इट इज़ ए वी वन, वी टू, वी थ्री, तो इज इट ए ग्राफ? तो इट इज़ अगेन अ ग्राफ. ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा एक ग्राफ ही है, जिसमें वी कलेक्शन है तीन वर्टेसेस का और एजेस का सेट कैसा है, एम्प्टी. ई इज आवर एम्प्टी सेट. सो वी का सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए. बाकी आप ई का सेट एम्प्टी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. कभी कभी ऐसे आएगा कि सिर्फ एक डॉट देके और यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो इट इज़ अगेन अ ग्राफ. तो यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा है, सिर्फ एक ही है, वी ए. सो वी इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओनली वन वर्टेक्स, दैट इज ए. तो इट इज़ अगेन अ ग्राफ. तो ग्राफ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यहाँ पे एक वर्टेक्स भी लिख सकते हो सिर्फ डॉट देके, तो वो भी क्या हो जाएगा, अगेन अ ग्राफ. बस यहाँ पे V वाला जो सेट है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए. अगर V वाला सेट एम्प्टी हो गया तो ब्लैंक पेज हो जाएगा और उसका क्या स्टडी करोगे. इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ ग्राफ जी वी कॉमा ई कंसिस्ट ऑफ द नॉन एम्प्टी सेट V हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द नोन. तो जी वी कॉमा ई, ये जो ऑर्डर पेयर लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड अ ग्राफ. और ये V इज ए कंसिस्ट ऑफ द नॉन एम्प्टी वर्टेसेस. V के जो एलिमेंट है उनको क्या कहते हैं, वर्टेसेस या फिर नोड्स, एंड इट इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी, एंड E इज ए कलेक्शन ऑफ एजेस. नेक्स्ट जो डेफिनेशन होता है दैट इज ए आइसोलेटेड नोड. आइसोलेटेड नोड मतलब जो मैंने अभी आपको डायग्राम निकाल के दिखाया कि ये नोड है, अब इसको एडजेसन कोई एज ही नहीं है, मतलब एडजेसन कोई वर्टेक्स ही नहीं है. इस डायग्राम में देखो ये जो हमारा निकाला हुआ है, वी वन का एडजेसन वर्टेक्स अगर आपको पूछा तो वी वन के एडजेसन में कौन है, वी टू. एडजेसन मतलब आप दो को कनेक्ट कर रहे हो थ्रू द एज, तो वी वन वी टू, ये अगर एज प्रेजेंट है तो वी वन एंड वी टू आर एडजेसन एज. वी वन एंड वी फोर, एज प्रेजेंट है क्या, देखो इस पेयर में V1 से V4 जा सकते हैं, V1 से V4 कनेक्टेड है, सो V1 एंड V4 आर एडजेसेंट वर्टेक्स. तो अगर हमने ऐसा कोई वर्टेक्स निकाल लिया इस यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, ये जो वर्टेक्स है V1, इसको कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है. सपोज हमने यहाँ पे डायग्राम में ये तीन वर्टेक्स निकाले, सो इट इज अगेन अ ग्राफ. बट इस ग्राफ में V1 के कनेक्टेड कोई भी नहीं है, मतलब देयर इज अ नो एडजेसेंट वर्टेक्स टू वी वन. वी टू के एडजेसेंट में भी कोई नहीं है, वी थ्री के करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ वी थ्री कोई नहीं है. तो इनको क्या कहेंगे, जिसके पास में एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है देन दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड नोड. मैं इसको सिर्फ डायग्राम को थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ऐसे कर देते हैं. अब ये इस डायग्राम में कौन कौन आइसोलेटेड है, ओनली वी वन. पहले जो मैंने निकाला था उसमें वी वन वी टू वी थ्री तीनों भी आइसोलेटेड थे, बट इस डायग्राम में कौन है, सिर्फ और सिर्फ वी वन इज आइसोलेटेड. सो द डेफिनेशन ऑफ आइसोलेटेड क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी बोला ना, बस वही तो डेफिनेशन है कि जो जिसके एडजेसेंट में कोई नहीं है वो अकेला बैठा है तो वो क्या होगा, आइसोलेटेड. सो द डेफिनेशन इज इन ए ग्राफ अ नोड in a graph a node that is not adjacent to another node is called isolated. इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे,
वी वन इज आइसोलेटेड, नेक्स्ट इज फाइनाइट ग्राफ. सो व्हाट इज अ फाइनाइट ग्राफ? अगर हमारे ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस ये अगर फाइनाइट है तो देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्राफ, जिसके अंदर वर्टेक्स और एजेस इनका फाइनाइट क्वांटिटी हम बता सकते हैं कि 5, 6, 7 कितने वर्टेक्स है कितने एजेस है, तो तब वो ग्राफ क्या हो जाएगा? फाइनाइट. सो मतलब फाइनाइट ग्राफ का डेफिनेशन क्या होगा? अ ग्राफ g इज इक्वल्स टू वी कॉमा ई इज सेड टू बी फाइनाइट, इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेसेस एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस. किसी भी ग्राफ में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेसेस फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस है तो देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्राफ. और अगर इनकेस नंबर ऑफ वर्टेसेस फाइनाइट नहीं है, जैसे कि एक आधा एग्जांपल लेते हैं कि आपने अगर यहाँ पे ऐसा एक आधा ग्राफ बना दिया, क्या ये फाइनाइट ग्राफ है? यस क्यों फाइनाइट नहीं है? फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस फाइनाइट है. इसके अंदर कितने वर्टेक्स है क्या आप बता सकते हो कि कौन से वर्टेक्स है? ए बी सी डी ई एफ जी, तो है ना. टोटल हम बता सकते हैं कि कितने वर्टेक्स कंटेन है? नंबर ऑफ वर्टेक्स फाइनाइट ही तो है. और अगर आपने ये निकाल लिया ई इज इक्वल्स टू एजेस, तो एजेस कौन सी है? एक ए बी कंटेन है, देन ए डी बी सी सी डी तो इसके अंदर हम एजेस भी बता सकते हैं कितने? 1, 2, 3, 4 ये चार यहाँ के एजेस, ये 5th, 6th, 7th, 8 तो टोटल 8 एज कंटेन. एंड टोटल वर्टेक्स भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि टोटल 7 वर्टेक्स. सो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इज 7, वर्टेक्स आर 7 और टोटल एजेस आर 8. सो क्वांटिटी है ना, 100 आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100,000 भी चलेगा. बट अगर आप नंबर बता सकते होंगे तो दैट इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्राफ. कितने हैं हमें कोई मतलब नहीं है, 10 हो, 15 हो, 100 हो, 1000 हो, बट अगर आप बता सकते होंगे कि इतने हैं तो देन दैट इज अ फाइनाइट ग्राफ. अब दूसरा क्या होता है, अदरवाइज हम क्या करते हैं यहाँ पे? अदरवाइज अगर ऐसा नहीं रहा कि उसमें आप नहीं बता सकते कितने एजेस है कितने वर्टेक्स हैं, तो अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट ग्राफ. फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा कनेक्ट कर दिया, फिर इस तरह से कनेक्ट कर दिया, फिर यह ऐसे ही कंटिन्यूसली चल रहा है, यहाँ पे स्टॉप नहीं कर रहे, ऐसे ही कंटिन्यूसली कनेक्शन बनाते जा रहे और फिर ये ऐसे छोड़ दिया. मतलब इनका कहना ऐसे कि ये ऐसे ही कंटिन्यूसली कनेक्टेड हो रहा है, तो ये एक इनफाइनाइट ग्राफ होगा कि जिसमें नंबर ऑफ एजेस नंबर ऑफ वर्टेसेस कैसे कंटिन्यूसली यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है. मतलब हम नंबर ऑफ कितने वर्टेक्स है ये नहीं बता सकते, नंबर ऑफ कितने एजेस है ये नहीं बता सकते होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट ग्राफ. समटाइम्स ऐसे लिख सकते हो कि ये हमारा वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव एंड ऐसे ही चलता रहेगा. अब इसमें कितने वर्टेक्स हैं, तो ये तो ऐसे ही अगर कंटिन्यूसली जा रहे हैं तो इट इज अगेन इनफाइनाइट ग्राफ. नेक्स्ट, ग्राफ को हमने टू मेन टाइप में क्लासिफाई किया है.
ये जो हमारा ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं ना, वी इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू वी कॉमा ई, इसके दो टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड और दूसरा होता है डायरेक्टेड ग्राफ। अब डायरेक्टेड ग्राफ को आप डायरेक्टेड ग्राफ ऐसे लिखो या फिर आप डायग्राफ भी लिख सकते हो। सो ये डायरेक्टेड ग्राफ, इसी को हम क्या लिखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायग्राफ। अदरवाइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायग्राफ। और सम बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है डी आई ए और फिर ग्राफ। तो इन तीनों में से आपको जो इजी लगेगा वो यूज करो। हम मोस्टली ये सेकेंड वाला यूज करते हैं डी आई ग्राफ। तो डायग्राफ, डाय फॉर डायरेक्शन और ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास में ऐसा कोई ग्राफ है कि जिसमें एजेस आर नॉट कंटेन डायरेक्शन विदाउट डायरेक्टेड एजेस, अगर कंटेन है ऑल द एजेस आर कंटेन विदाउट डायरेक्शन, देन दैट इज कॉल्ड अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। हम प्रॉपरली डेफिनेशन लिखेंगे, सिर्फ आप इससे समझ लो कि अगर ग्राफ की हर एक एज विदाउट डायरेक्शन के साथ में है, किसी भी एज के ऊपर अगर डायरेक्शन नहीं है, इन ए ग्राफ कंटेन ऑल एज विदाउट डायरेक्शन, तो देन दैट इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। बट अगर ग्राफ की हर एक एज, इसमें जितने भी एजेस कंटेन है उन सब के ऊपर अगर डायरेक्शन है, एरोस गिवन है, तो इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ। अब इसमें और एक टाइप बना दिया उन्होंने, ये तो मेन दो ही टाइप्स कर देते हैं, बट दूसरा जो थर्ड टाइप यहाँ पे आता है इन दोनों को मिला के, दैट इज कॉल्ड द मिक्स ग्राफ। मिक्स ग्राफ क्या होगा, सम एजेस आर डायरेक्टेड, सम एजेस आर अनडायरेक्टेड, देन दैट इज कॉल्ड अनडायरेक्ट मिक्स ग्राफ। जैसे सपोज ये डायग्राम है, इसके ये दो एजेस को डायरेक्शन है बट ये एक आधा एज को डायरेक्शन नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड ए मिक्स ग्राफ। मैम ग्राफ में दो ही डायरेक्शन रहेंगे, ग्राफ में डायरेक्शन अरे नहीं, कुछ एजेस डायरेक्टेड रहेंगे कुछ एजेस अनडायरेक्टेड रहेंगे। अब इसमें ऐसा ग्राफ था, इसे आप ऐसे भी तो ले सकते हो ना। सपोज मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, अब यहाँ पे ये डायरेक्टेड है अनडायरेक्टेड है कि मिक्स है, मिक्स और अगर इसको डायरेक्शन दे दिया तो रितु अब कौन सा डायग्राम बन गया ये, मिक्स स्टिल इट डायग्राम। इज अ मिक्स ना। अगर आपका कुछ एजेस, हम ये नहीं बोल रहे कि 5 6 10, हमने नंबर थोड़ी ना बोला, सम एजेस आर डायरेक्टेड सम एजेस आर अनडायरेक्टेड। सम एजेस अगर डायरेक्टेड है और सम एजेस आर अनडायरेक्टेड है, तो देन इट इज कॉल्ड अ मिक्स ग्राफ। समझ में आ गया। अब मैं एक एक का डेफिनेशन लिख के देती हूँ। अ ग्राफ इन विच एवरी एज इज डायरेक्टेड, अगर हर एक एज के ऊपर डायरेक्शन है तो देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ, एंड डायरेक्टेड ग्राफ। सो डेफिनेशन इज अ ग्राफ इन विच एवरी एज इज अनडायरेक्टेड। एवरी एज कैसे होना चाहिए, अनडायरेक्टेड मतलब जिसके ऊपर डायरेक्शन नहीं है, अनडायरेक्टेड इज कॉल्ड
इज कॉल्ड एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। नाउ द थर्ड इज मिक्स ग्राफ। थर्ड डेफिनेशन इज मिक्स्ड ग्राफ। सो सम एजेस आर डायरेक्टेड, सम एजेस आर अनडायरेक्टेड, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ मिक्स ग्राफ। सो इफ सम एजेस आर डायरेक्टेड एंड सम आर अनडायरेक्टेड अनडायरेक्टेड इन ए ग्राफ, देन द ग्राफ इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायंगल, तीन डायग्राम बना लो और सेम ही डायग्राम बनाओगे। अगर स्क्वायर निकाला होगा तो चारों भी स्क्वायर निकालो, ट्रायंगल निकाला होगा तो चारों ट्रायंगल निकालो। एक को मैं बिना डायरेक्शन का रखती हूँ, दूसरे में मैं डायरेक्शन लगा देती हूँ, तीसरे में दो एजेस को डायरेक्शन, एक बिना डायरेक्शन का। इसके लिए चाहिए कौन सा ग्राफ है हमारा? नो एज इज डायरेक्टेड, सो इट इज ए अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसके नीचे लिख देना ऑल एजेस आर डायरेक्टेड, सो इट इज ए डायग्राफ। एंड हियर सम एजेस डायरेक्टेड, सम एजेस आर अनडायरेक्टेड, सो इट इज अवर मिक्स ग्राफ, मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ मतलब अ ग्राफ विच कंटेन्स सम पैरेलल एजेस इज कॉल्ड ए मल्टी ग्राफ। अब हम वर्टेसेस को कितने एज कनेक्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से टाइप देख रहे हैं। तो अगर हमारे पास में सम पैरेलल एज कंटेन है ग्राफ के अंदर, पैरेलल का मतलब क्या होता है देखो, अभी ये हमारा एक ग्राफ है। अब ये जो एज आपके पास में यहाँ की, ये कैसा है? वी वन और वी थ्री को कनेक्टेड है। और ये एज कैसी है? ये भी तो एक एज है। ये अगेन किसको कनेक्टेड है? वी टू और वी थ्री को। सो ये दोनों एजेस के स्टार्ट और एंड वर्टेक्स कैसा है? सेम है। सो दिस एज इज कॉल्ड अ पैरेलल एज। तो अगर किसी ग्राफ में ऐसे पैरेलल एज कंटेन है तो देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ। नेक्स्ट इज पिसिडो ग्राफ। अब पिसिडो ग्राफ मतलब क्या होगा? अ ग्राफ, a graph which contain some parallel edges and loop। अगर किसी graph में parallel edges और loop contain है तो then that graph is called पिसिडो ग्राफ। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखती हूँ। सपोज आपके पास में ऐसा डायग्राम है कि इट कंटेन वर्टेक्स वी वन, वी टू, वी थ्री।
सी है, इस ये जो है v1 से ये जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द लूप, v1 से v1, सो इट इज ए लूप। और ये यहाँ पे क्या है, पैरेलल एज। तो इस डायग्राम में, और पैरेलल एज में सिर्फ ऐसे रहेगा, नेसेसरी नहीं है, ये ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि एक ही जगह पे ऐसे तीन तीन लाइन दे दी। सो दिस ग्राफ कंटेन पैरेलल एजेस एज वेल एज लूप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज अवर पीसीडो डायरेक्टेड ग्राफ। तो एक तो सिंपली पीसीडो ग्राफ बताओ, या फिर डायरेक्शन भी गिवन है, तो वी में से इट इज ए पीसीडो डायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट होता है सिंपल ग्राफ। व्हाट इज सिंपल ग्राफ? अ ग्राफ विच हैज नाइदर लूप्स नॉर मल्टीपल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर लूप भी नहीं है और पैरेलल एजेस कंटेन नहीं है, तो देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ सिंपल ग्राफ। जैसे सपोज आपके पास में ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर ना तो लूप कंटेन है, ना तो यहाँ पे पैरेलल कोई एज कंटेन है। इसको पैरेलल मत बोल देना, नहीं तो बता दोगे कि दिस आर द पैरेलल लाइंस, सो पैरेलल एजेस, ये दोनों पैरेलल हो गए। नहीं, हमारे कंसेप्ट में पैरेलल मतलब दोनों के पेयर ऑफ वर्टेक्स जो है ना, वो सेम होने चाहिए, तो तब हम उसको पैरेलल कहेंगे। मैं डेफिनेशन ऑफ पैरेलल एज लिख के देती हूँ, बट ये जो रहेगा इसमें ना लूप कंटेन है, ना तो यहाँ पे पैरेलल एज मल्टी एज कंटेन है, सो दिस इज आवर सिंपल ग्राफ। वैसे ही रहता है। नेक्स्ट इज ए नल ग्राफ। अब ग्राफ है तो उसमें एक तो भी वर्टेक्स होना चाहिए, अगर कोई ग्राफ बोल रहे हैं तो ग्राफ इज कंटेनर नॉन एम्प्टी वर्टेक्सेस। सो नल ग्राफ किसको कहेंगे कि जिसके पास में एज नहीं है, एज नो एज कंटेन, ओनली वर्टेक्स कंटेन हो सकता है उसमें, तो देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ नल ग्राफ। सो डेफिनेशन इज अ ग्राफ विच कंटेन विच कंटेंट्स ओनली आइसोलेटेड आइसोलेटेड वर्टेसेस इज कॉल्ड नल ग्राफ। नल ग्राफ मतलब जिसमें सिर्फ आइसोलेटेड वर्टेक्स कंटेन है, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड ए नल ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल सो इस ग्राफ में देखो, ये भी वर्टेक्स आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड ही आइसोलेटेड, तो द ग्राफ कंटेन ओनली आइसोलेटेड वर्टेक्स या फिर आइसोलेटेड रूट, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड ए नल ग्राफ। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ए लूप। जो मैं लूप की बात कर रही थी कि अगर ये आपका वर्टेक्स है v1, यहाँ से निकल के फिर से यहीं पे आ रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड द लूप। अब ये अनडायरेक्टेड लूप हो गया, अगर इसको डायरेक्शन दे दोगे तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टेड। सो व्हाट इज अ लूप? तो डेफिनेशन ऑफ लूप इज, लेट जी इज इक्वल्स टू वी कॉमा ई बी अ ग्राफ एंड एज ऑफ जी विच जॉइंस ए नोड वी टू इट्सेल्फ। वी
टू इट सेल्फ जहाँ पे ज्वाइन होता है, ऐसा एक एज, कौन सा एज? एन एज ज्वाइन फ्रॉम वी टू इट सेल्फ, देन दैट एज इज कॉल्ड लूप। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपका एज है v1 v2, ऐसे अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो इस एज को आप कैसे लिखते हो? v1 कॉमा v2 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हो, तो v1 कॉमा v2 इज ए एज। अब यहाँ पे आपका एज कैसा है? v1 से स्टार्ट करके v1, सो हियर एन एज ऑफ वी एंड एज ऑफ जी विच इज ज्वाइन फ्रॉम v1 वर्टेक्स v टू इटसेल्फ। अगर ऐसा वी से स्टार्ट करके खुद से ही ज्वाइन हो रहा है तो इस वर्टेक्स कैसा रहेगा? इट इज ए वी कॉमा वी, सो दिस इज नथिंग बट अ लूप। अ पेयर ऑफ नोड्स कैन बी ज्वाइंड बाय मोर देन वन एजेस, सच एजेस आर कॉल्ड पैरेलल एज। सो व्हाट इज अ पैरेलल एज? सपोज आपके पास में यहाँ पे वर्टेक्स है v1 v2, इनको ज्वाइन करने वाली टू और मोर देन टू एजेस हैं। अब यहाँ पे एक एज को नाम देती हूँ मैं e1, दूसरे एज को नाम देती हूँ e2। तो एज e1 इज नथिंग बट v1 कॉमा v2 एंड एज e2 इज ऑल्सो अवर v1 कॉमा v2। सो हियर द पेयर ऑफ नोड विच कैन बी ज्वाइन मोर देन वन एज, ये जो पेयर ऑफ नोड्स है, तो v1 v2 क्या कर रहे हैं? v1 v2, यहाँ पे भी v1 v2 लिखा है, यहाँ पे भी v1 v2, तो पेयर ऑफ नोड्स विच शोइंग, ये क्या कर रहे हैं? मोर देन टू एजेस शो कर रहे हैं, तो देन दिस एजेस इज कॉल्ड अ पैरेलल एजेस। तो ये ऑर्डर पेयर तो सेम है लेकिन वो डिनोट क्या कर रहा है? एक दिखा रहा है e1 e2, तो मोर देन टू एजेस का रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑर्डर पेयर है। सो हियर e1 एंड e2 आर कॉल्ड पैरेलल एज। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।